हेलो गाइस, वेलकम टू प्रियंका लव्स ब्यूटी एंड आई एम प्रियंका। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप किस तरीके से अपने हेयर पे ही आप बहुत ही अच्छा सा पफ वियर कर सकते हैं, किस तरीके से आप पफ बनाएंगे बिना किसी स्टफी को यूज़ किए हुए, बिना बैक कॉम्ब किए हुए। आज हम पफ बनाना सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से, आज हम पफ बनाना सीखेंगे। सो गाइस, ये पफ किन किन फेस को सूट करेगा इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन से हमारे फ्यूचर में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो गाइस, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप किसी भी वेडिंग फंक्शन, एंगेजमेंट, आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं तो ये पफ आप इजीली वियर कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, हम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कॉम्ब चाहिए जो आप डेली वियर में यूज़ करते हो, एंड एक टेलकम कॉम्ब चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये स्टिक, इसके पीछे एक स्टिक रहती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी पेंसिल या पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बाद हमें दो टिकटॉक वाली जो क्लिप्स होती हैं वो चाहिए, एंड एक लंबी वाली हमें एक चिमटी चाहिए, ये लंबी वाली होनी चाहिए। तो दो हमें टिकटॉक पिन चाहिए और एक हमें नॉर्मल पतली सी पिन चाहिए। सो इतनी ही चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हेयर के जितने भी टैंगल्स हैं उन्हें रिमूव कर लेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से हम कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए, इससे क्या होगा कि जो बेबी हेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से मर्ज हो जाते हैं, खड़े खड़े से नहीं रहते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक पार्टिंग कर ली है, और देन अब मैं क्या कर रही हूँ, जो आगे के फ्रंट के हेयर हैं उनको निकाल रही हूँ एंड बैक के जो हेयर हैं उन्हें सिक्योर कर रही हूँ। सो इस तरीके से आपको भी करना है। आपको आगे की ओर अगर कोई डिज़ाइन बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बालों को डिवाइड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे साइड पार्टीशन करते हुए बालों को डिवाइड किया हुआ है अपने हेयर्स को। सो यहाँ पे मैंने फ्रंट पे दोनों साइड से हेयर्स को निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम बैक कॉम्ब करेंगे। आप चाहें तो आगे के हेयर को सिक्योर भी कर सकती है। पहले मैंने बैक के हेयर को सिक्योर किया है। आप इसे दो से तीन बार करेंगी तो आपका हाथ बहुत ही ज़्यादा सेट हो जाएगा। सो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं ये ज़रूर वेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा जो है फेस वो राउंड है। सो मैं अक्सर जब अपने ऑफिस जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे लोग पूछते हैं कि आपने किस तरीके से ये पफ बनाया है। तो मैं ये पफ बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कम टाइम में मैं इसे बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट पड़ चुकी है। सो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं तो मुझे लगा मुझे एक ये वीडियो बनाना चाहिए, ताकि जो भी मेरे साथ में हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी देख सकें और अदर लोग भी सीख सकें। सो बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम टाइम में मैं इसे वियर करती हूँ, क्योंकि ऑफिस जाने में इतनी ज़्यादा जल्दी होती है और आप सोच सकते हैं इतनी जल्दी जल्दी में मैं पफ वियर करती हूँ। सो मेरा हाथ बहुत ही अच्छे से सेट है, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, जो भी हमने पार्टीशन किया था उसको मैं काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। जो भी हम हेयर लाइन निकालते हैं सो उसको हम अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम कर लेंगे, एंड बैक साइड पे हम काफ़ी अच्छी तरीके से कॉम्बिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम कॉम्ब करेंगे, और मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही नीट जो लाइन होती है उसको भी निकालना बताऊंगी। और आप अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम कॉम्ब रखेंगे। ये आपने देखा कि यहाँ पे हमने कॉम्ब रखा, एंड दूसरे साइड के ईयर, जहाँ पे दूसरे साइड का ईयर का कॉर्नर है वहाँ पे निकाल लेंगे। मैं आपको फिर से एक बार ये करके दिखाऊंगी, क्योंकि सबसे सरल यही है और आपको इसे ध्यान से समझना होगा गाइस। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ से रखा, कॉम्ब स्टिक है या आप कोई पेन ले सकते हैं, और देन दूसरी साइड के ईयर्स के पास से मैंने निकाल लिया। तो आपको एक साइड से रखना है, देन दूसरे साइड से निकाल लेना है, मतलब राइट साइड से रखा तो लेफ्ट साइड को आपको निकाल लेना है। और आप देख सकते हैं ईजली बहुत ही अच्छे से जो हमारी पार्टीशन है वो हो चुकी है, और बहुत ही क्लीन तरीके से। सो अब आप देख सकते हैं मैं काफ़ी अच्छे तरीके से कॉम्ब कर रही हूँ।
तो यहाँ पे हम बहुत ही इजी तरीके से कॉम्ब कर लेंगे और कॉम्ब हम अच्छे से करेंगे ताकि जो हमारा पफ बने वो बहुत ही अच्छा बने और नीट एंड क्लीन सा बने। सो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बैक साइड पे सारे हेयर को सिक्योर कर लिया है एंड ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हम पकड़ लेंगे सारे हेयर को। और अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है और यहीं से हम पुश करेंगे ऊपर की ओर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों हैंड से बट एक हैंड से मैं पुश कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप इतने अच्छे तरीके से हमारा पफ उठ के आ चुका है। हमने कोई स्टफी का यूज़ नहीं किया है, कोई बैक कॉम नहीं किया है और इस तरीके से उठ गया है। देन मैं यहाँ पे टिकटॉक पिन को एक ऐसे लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं एक हम राइट साइड से लगाएंगे एक लेफ्ट साइड से लगाएंगे। सो इस तरीके से हम करेंगे, ज़्यादा हम पिन नहीं लगाएंगे वरना हमारा जो हेयर होते हैं वो टूटने भी लगते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा वेट वेट का फील होता है। सो यहाँ पे हम दोनों टिकटॉक पिन को लगा चुके हैं और अब हम एक लंबी पिन उसके पीछे लगाएंगे ताकि जो दोनों क्लिप्स हैं वो बिल्कुल भी फिसले नहीं, वो एक ही जगह पर सिक्योर रहें। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम कुछ अपने पफ के जो हेयर हैं उन्हें सिक्योर कर देंगे और देन उसके बाद जो हमारा पफ है आप देख सकते हैं कितनी हाइट पे बना हुआ है। आप इसको और हाइट पे उठा के बना सकते हैं बट ये भी एक बहुत ही अच्छी हाइट थी, ये 2 या 3 इंच पे था और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी हाइट है। तो ऐसा हम बना सकते हैं और ये ब्राइडल्स के लिए तो नहीं है क्योंकि ब्राइडल्स को चुन्नी रखनी होती है, फिर ये जो है थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो ये बिगनर्स के लिए और टीनेजर्स अगर बाहर जाती हैं तो इस तरीके से पफ बना सकती हैं। सो आप फ्रंट के हेयर के जैसे भी स्टाइल करना चाहें आप कर सकती हैं। सो आप देख सकते हैं मैं कुछ बस ऐसे ही हेयर को रख रही हूँ क्योंकि जब हम ऑफिस वगैरह जाते हैं तो हम नॉर्मल ही रखते हैं, हम कोई भी उसमें डिज़ाइन नहीं बनाते हैं और जब हम वेडिंग वगैरह पे जाते हैं तो थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हैं। सो मैंने यहाँ पे एकदम सिंपली सा हेयर को छोड़ दिया है। आप चाहे तो हेयर स्प्रे भी कर सकते हैं बट हेयर स्प्रे भी हमें रोज़ रोज़ नहीं करना चाहिए। सो ये डेली वियर के लिए है, अगर आप डेली वियर के लिए इस तरह पफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ सो मैं ये पफ ज़रूर बनाती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ तब भी क्योंकि मेरा राउंड फेस है तो जो राउंड फेस वाले हैं स्क्वायर फेस वाले हैं वो ऐसा पफ बनाएंगे तो उनके ऊपर काफ़ी अच्छा लगेगा। इस पफ को जो लंबे फेस वाले हैं उसे बिल्कुल भी ट्राई ना करें, उनके ऊपर उतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उनके फेस को और भी ज़्यादा लंबा दिखाएगा। सो जो राउंड फेस वाले होते हैं ना उनके फेस को थोड़ा सा लंबा दिखाना होता है तो ये पफ उनके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस ये पफ मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है, मुझे जो मेरी फ्रेंड्स लोग हैं मुझे बहुत बोलती हैं कि मैम आपके ऊपर बहुत ही ये पफ अच्छा लगता है। सो गाइस आप लोग भी चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बनाया है और गाइस मैं इसे ईजली डेली वियर करती हूँ। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है बट इसके पहले मैं जब भी जाती थी ऑफिस तो मैं वहाँ पे ज़रूर वियर करके जाती क्योंकि मेरा फेस जो है वो ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो मैं पफ ज़रूर वियर करती हूँ, आप इसको एसेसरीज के साथ भी वियर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो लुकिंग है वो ज़्यादा ही कुछ मुझे अट्रैक्टिव लगती है, बहुत अच्छी लगती है और इंगेजमेंट में वेडिंग में अगर आप ऐसा लुक करेंगे ना ओ माय गॉड सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल आप लगने वाली हैं और ये मेरे ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है। सो आप लोग भी जरूर मुझे ट्राई करके बताइएगा कि आपके ऊपर ये लुक कैसा लगता है। अगर आप राउंड फेस वाले हैं या स्क्वायर फेस वाले हैं तो आप ज़रूर इस लुक को वियर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके ऊपर ये लुक कैसा लगता है। सो गाइज मैंने इसको आपको एसेसरीज के साथ भी बताया कि ये लुक कितना अच्छा लगता है और मुझे ये बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है, मेरा सबसे फेवरेट है और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा मैं वियर करती हूँ। सो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। सो गाइज अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय।